हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सामने आप देख पा रहे हैं हीरो स्प्रिंट कैंपास जेम टेक्नोलॉजी की 7 गियर वाली साइकिल। दोस्तों, साइकिल तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, पर इस साइकिल में आपको 7 गियर मिलने वाली है। आगे वीडियो में हम इसकी कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। दोस्तों, यहाँ इसके फ्रंट में आपको ब्लैक कलर में हैंडल देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको हीरो का लोगो मिल जाता है और कुछ इस तरह की लुक आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। दोनों तरफ की गियर की पोजीशन जो है आप उसे देख सकते हो। आगे गियर के बारे में और भी बात करेंगे, पर अभी इसकी फ्रंट की रिव्यू को अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ सामने की तरफ आपको सस्पेंशन दिख रहा होगा। यहाँ आप टायर की ग्रिपिंग को देख सकते हो, काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग वाली आपको टायर देखने को इसमें मिल जाएगी, जो रोड पर वो अच्छे से पकड़ कर चलेगी। चलते हैं इसके साइड तरफ और देखते हैं इसकी साइड लुक को। यहाँ नीचे की तरफ आपको इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और इसके फ्रंट में आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक। यहाँ आपको स्पोक के ऊपर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टोटल 2 रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक कलर में आपको इसका जो रिंग है या अपन व्हील जो भी बोलें वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको XER 27.5 की बेजिंग मिल जाती है। यहाँ आप टायर को देख सकते हो, हर्टेक्स कंपनी की इसमें आपको टायर देखने को मिल जाती है। चलते हैं हैंडल बार में, तो यहाँ पर आप हैंडल को देख सकते हो। यहाँ पर आपको लो मोड मिल जाता है, जिसके ऊपर आप गियर की पोजीशन को देख सकते हो। गियर चेंज करने के लिए आपको यहाँ से इसे प्रेस करना होगा और यहाँ से आप इसे अप कर सकते हो। चलते हैं इसकी लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड की गियर को भी देख लेते हैं। यहाँ पर हाई मोड मिल जाता है, यहाँ भी आप गियर को चेंज कर सकते हो। आपको कुछ इस तरह से इसे प्रेस करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गियर चेंज हो रही है। यहाँ पर आपको अप डाउन मिल जाता है। यहाँ को एक अच्छी कुशनिंग वाली सीट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको जेम टेक्नोलॉजी की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। इस तरफ आपको फ्रेम के ऊपर हीरो स्प्रिंट की बेजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको कैंपास की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पैटल के ऊपर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। चलिए चलते हैं इसके रियर में और देखते हैं इसकी रियर में हमें क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। इसके फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड मिल जाता है। यहाँ आपको व्हील साइज और टायर वगैरह सेम फ्रंट के साइज में ही देखने को मिल जाता है। चलते हैं इसके पूरी रियर लुक को देख लेते हैं। रियर से यह साइकिल आपको कुछ इस तरह की दिखती है। रियर में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं इसकी राइट प्रोफाइल में और देखते हैं इसकी राइट प्रोफाइल में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ राउंड शेप में नुकीला सा दिख रहा होगा। वो जो है, आप जैसे गियर को चेंज करोगे तो इसमें जो है वो शिफ्ट होता है। जैसे आप गियर को 1, 2, 3, 4 जैसा भी आप चेंज करते हो, उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो चेन जो है ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग करने लग जाता है। और दोस्तों, यहाँ नीचे की तरफ आपको चेन की पोजीशन को देख सकते हो। यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है हीरो की वेबसाइट www.herocycle.com। इसमें जाकर आप हीरो की साइकिल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हो। और इस तरफ भी आपको मिल जाता है जेम टेक्नोलॉजी की बेजिंग। यहाँ पर आपको मिल जाता है टर्नी शमारो की बेजिंग। यहाँ पर आप चेन कवर को देख सकते हो। इस तरफ पैटल में भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है।
यहाँ पर बॉटल होल्डर के लिए जगह मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों हीरो स्प्रिंट गियर वाली साइकिल की रिव्यू। आप लोगों को यह साइकिल कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप इस साइकिल को ख़रीदना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं ओम साइकिल एंड ई बाइक के शोरूम में, जहां आपको इस साइकिल की प्राइस 12,900 रुपये में मिल जाएगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।